चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी जानकारी है उसका रुख कर लेते हैं। अपडेट आप तक पहुंचाने जो इस बीच सामने आ रही है आपको टीवी स्क्रीन पर है ये जानकारी, जो प्रदेश से इस बीच सामने आ रही है पलवल से है। आज बंतारी से शुरू होगा अभय चौटाला की पदयात्रा शुरू होगी है और बंतारी से शुरू होकर अटोहा तक पदयात्रा चलेगी। पदयात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है, ये पलवल से जानकारी सामने आ रही है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होंगे, पदयात्रा में शामिल होंगे और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। पदयात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश लगातार देखने को मिल रहा है, ये जानकारी पलवल से सामने आ रही है। आज बंतारी से शुरू होगी अभय चौटाला की पदयात्रा, तो जानकारी आप तक पहुंचा दें, आज बंतारी से अभय चौटाला की पदयात्रा शुरू होगी और बंतारी से शुरू होकर अटोहा तक पदयात्रा जाएगी। पदयात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे और लगातार कार्यकर्ता जो है उत्साहित है। पदयात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश लगातार देखने को मिल रहा है। अभय चौटाला की पदयात्रा, ये अभय चौटाला ने बताया है कि आने वाले चुनावों तक लगातार वो सभी विधानसभाओं का दौरा पदयात्रा वहां पर करेंगे और लगातार जनता के बीच जाएंगे और जनता के मुद्दों को समझेंगे, जाकर जनता के बीच जो है वो संदेश लेकर जाएंगे एक अपना कि किस तरीके से प्रदेश में अगर उनकी सरकार आती है तो प्रदेश के जो तमाम मुद्दे हैं उनको हल किया जाएगा, कि तमाम परेशानियां हैं लोगों को, क्षेत्रवासियों को, उनको किस प्रकार से हल किया जाएगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर ये पदयात्रा जो है निकाली जा रही है। और पदयात्रा पलवल से आज आपको बता दें कि शुरू होगी, बंतारी से ये पदयात्रा अभय चौटाला की शुरू होगी। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, अधिक जानकारियों के साथ वो जुड़े हैं। नितिन, जानकारी आपसे पदयात्रा को लेकर लेना चाहेंगे, किस तरीके से पलवल से पदयात्रा की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो अभय चौटाला की जो इनेलो की पदयात्रा थी वो सिगार से शुरू हुई थी और लगातार अलग अलग यानी कि जिलों में जाते हुए वह सभी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में जा रही है और आज ये पलवल के बंचारी गांव से ये पदयात्रा शुरू होगी। और कहीं ना कहीं जो पदयात्रा है उसे अभय चौटाला का कहना है कि लोगों का विश्वास जो बढ़ा है उससे प्रदेश में बदलाव की प्यार चली है और कहीं ना कहीं जो भाजपा से लोगों की जो नीति से जो परेशान हो रहे हैं उसे इनेलो का इसका फायदा मिलने वाला है। तो जो पदयात्रा है उससे लोगों का जनसंपर्क भी बढ़ता जा रहा है और प्रतिदिन लगभग 20 से 21 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों के बीच में जनसंपर्क साध रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार ने ऑनलाइन जो ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी जो जारी की है उससे जो लोगों को परेशानी हो रही है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए जो इतनी दुविधा वाली कास्टिंग की है तो उससे यही लग रहा है कि आम लोग बिल्कुल परेशान हो चुका है। और आने वाले समय में जो वन रैंक वन पे जो पेंशन वाला ओपीएस वाला मुद्दा था, उन्होंने कहा था कि जो पेंशन के लिए जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे सरकार की जो सौतेला व्यवहार है उससे अब इनेलो भी उन्हीं कर्मचारियों और उन लोगों के साथ है कि अगर उनकी सरकार आई तो वह उसको पहले दिन से ही उनके फेवर जो ई टेंडरिंग वाला पॉलिसी है उसे खत्म करने का काम करेंगे और जो ओपीएस जो पेंशन है उसको पहले दिन से बहाल करेंगे। बिल्कुल नितिन, आप बने रहे हमारे साथ, इस बीच खबर में आगे बढ़ेंगे।